माउंट एवरेस्ट हिमालय के पहाड़ी सिलसिले की एक चोटी है। ये नेपाल और तिब्बत के दरमियान वाक़े है, जो चीन का एक खुद मुख्तार इलाका है। 8849 मीटर 29,032 फुट पर से जमीन का सबसे ऊंचा नुक्ता समझा जाता है। 19वीं सदी में इस पहाड़ का नाम हिंदुस्तान के साबिक सर्वियर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। तिब्बती नाम है, जिसका मतलब है दुनिया की माँ देवी, या नेपाली नाम सागरमाथा है, इसके मुख्तलिफ मानी है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले रिकॉर्ड शुदा अफराद एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले कोपेमा और उनके तिब्बती गाइड टीनजन नूरगे थे। उन्होंने 1953 में पहाड़ पर चढ़कर रिकॉर्ड अपने नाम किया। एवरेस्ट की ऊंचाई का पहला रिकॉर्ड बहुत पहले 1856 में आया था। बरतानवी सर्वेकारों ने बैसवीर पाक और हिंद के अपने अजीम मुसल सर्वे में एवरेस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी करार दिया था। हिमालय के पहाड़ तवील अरसे से वादियों में रहने वाले मकामी ग्रोहों का घर रहे हैं। इनमें सबसे मशहूर शेरपा लोग हैं। लफ्ज़ शेरपा अक्सर पहाड़ी रहनुमा के मानी में इस्तेमाल होता है, हालांकि ये दरअसल एक नस्ली गिरोह से मुराद है। कीमती तजर्बा है जो वो दूसरे को पैमाओं को फराहम कर सकते हैं। एवरेस्ट की ज्यादातर चढ़ाई शेरपा की लॉजिस्टिक मदद और इल्म के बगैर नामुमकिन होगी। ताहम इनकी जिंदगी का तरीका एवरेस्ट को पैमाओं की मदद से आगे बढ़ता है। रिवायती तौर पर उनका तर्ज जिंदगी काश्तकारी, गल्लाबानी और तजारत पर मुश्तमिल है। जिसे माउंट गोडोन ऑस्टन और मकामी तौर पर डिप्सांग अचौगोरी कहा जाता है, कैटू दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी 28,251 फुट 8,611 मीटर मान एवरेस्ट के बाद दूसरे नंबर पर है। कैटू कराकर्म रेंज में वाक़े है और जिज्वी तौर पर चीन के जेर इंतजाम सिनकियांग के इलाके में और जिज्वी तौर पर पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान हिस्से में वाक़े है। ग्लेशियर और बर्फ से ढका पहाड़ अपनी बुनियाद से तकरीबन 15,000 फुट 4,570 मीटर की बुलंदी पर गाडविन ऑस्टन ग्लेशियर पर उठता है, जो बॉलेट्रू ग्लेशियर की एक मुआविन दरिया है। पहाड़ को 1856 में कर्नल टीजी ने दरियाफ्त किया था। सर्वे ऑफ इंडिया की मिंटगुमरी और इसे कैतो का निशान दिया गया, क्योंकि यह कराकर्म रेंज में मापी जाने वाली दूसरी चोटी थी। चोटी तक पहुंचने की पहली कोशिश 1902 में एक एंग्लो स्विस मुहिम ने की थी, जो चोटी के शुमाल मशरकी हिस्से पर 18,600 फुट 5,670 मीटर तक चली थी। आखिरकार 1904 में एक इतालवी मुहिम, जो कि 5 साइंसदानों पर मुश्तमिल थी, जिसमें माहिर अर्जियात आरडब्ल्यूडी से बतौर रहनुमा एक डॉक्टर, एक फोटोग्राफर और एक पाकिस्तानी समेत 12 दीगर शामिल थे, शदीद मौसमी हालात के बावजूद अबरोजी रुज को फतह करने में कामयाब हो गए। सबसे पहले 28 जुलाई 1904 को शाम 6 बजे उचेलकम गिनवनी और लीनो लेसिडिली चोटी पर पहुंच गए। चढ़ाई के दौरान मारियो पोचविज, जो कि गाइड्स में से एक थी, वो नमूनिया से मर गई।